हेलो फ्यूजोसीज़ वेलकम बैक टू माई चैनल फ्यू वर्ल्ड आज मैं आपके लिए एक नए ड्रामे का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम पेंट विथ लव है इस ड्रामे के मुख्य किरदार सिंटो एंड ते है सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिसोड एपिसोड के शुरुआत में एक मीडिया ऑफिस को दिखाया जाता है बॉस के आने की खबर सुनकर सारे एम्प्लॉय मीटिंग के लिए तैयार होते फिर हमारे हैंडसम बॉस मीज की एंट्री होती है जो इस ड्रामे का मेन लीड है मीज को सारे काम परफेक्ट चाहिए होते हैं यहाँ तक कि कॉफी में पड़ने वाली चीनी की मात्रा और उसकी टेम्परेचर भी परफेक्ट होनी चाहिए और इस बात का ध्यान उसकी सेक्रेटरी नूना रखती है काम के सिलसिले में मीज बहुत स्ट्रिक्ट होता है मीटिंग में वो लोग काम को डिस्कस करते हैं तभी नूना मीज को बताती है कि दो घंटे पहले उन्होंने जिस मॉडल का एड कैंपेन लॉन्च किया है उसका एक चैट लीक हुआ है और ब्रांड ऑनर इस बात से खुश नहीं और वो उसके सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं मेज फिर एक नए मॉडल की तलाश करना शुरू कर देता है वो जिस मॉडल से बात करता है उसकी फीस जरूरत से ज़्यादा हाई होती है और उसे अलग से एक मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेस भी चाहिए होता ये सीन सुनकर मेज गुस्सा होता है पर वो कर भी क्या कर सकता था मेज के पास किसी ई नाम के शख्स का कॉल आता है मेज ई से एक फेमस मॉडल के बारे में पूछता है जिसे ई शोना कॉम्प्लेक्स में मिला था मेज उसे अपने डिजाइनर परफ्यूम का फेस मॉडल बनाना चाहता है और अगर ए उससे बात करेगा तो वो फेमस मॉडल जिसका नाम टाइम है वो मान जाएगा और ऐसा ही होता है ए की हेल्प से मेज टाइम को अपने परफ्यूम एड के लिए मॉडल बना लेता है मेज ये खुशखबरी अपने सारे एम्प्लॉय को देता है नए मेज की तारीफ करती है तभी वहाँ पर मेज का फ्रेंड थान आता है और थान मेज को बताता है कि उसके पास मेज की कंपनी के लिए एक काम है मेज के कंपनी को उसके नए क्लाइंट मिस मिकार के शादी से लेकर उसके बच्चे होने तक का एक शो बनाना है थान उसे बताता है कि मिस मेकर पहले से ही प्रेग्नेंट है और उसे ये शो काफ़ी आलिशान और हाई क्लास चाहिए जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है इस शो को आलिशान बनाने के लिए मेज एक लाइव पेंटिंग आर्टिस्ट को ढूंढता है इसके लिए मेज अपने प्रोफेसर से मिलता है मेज को जिस तरीके का टैलेंटेड और प्रोफेशनल पेंटर चाहिए प्रोफेसर एक ऐसे पेंटर को जानते हैं प्रोफेसर उसकी काफी तारीफ करते ये सुनकर मेज बहुत सेटिस्फाइड होता है मेज प्रोफेसर के बताए हुए पेंटर से मिलने जाता है कई बार बेल बजाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता मेज फिर खुद से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है कमरे में झाँकने पर मेज किसी इंसान को लाल रंग में डूबे किसी लड़ को मारते हुए दे मेज को लगता है कि ये कोई मर्डरर है जिसने उस पेंटर का मर्डर कर दिया मेज पुलिस को कॉल करता है तभी वो इंसान मेज के कमरे के अंदर जबरदस्ती ले जाता मेज को पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पेंटर पाफ सिलिपिन है और वो उस लाल रंग से पेंटिंग कर रहा था पाफ को इस हालत में देख कर मेज शॉक्ट हो जाता है उसने अपने मन में पाप की जैसी इमेज बनाई थी वो बिल्कुल उसका उल्टा था बट मीज के पास कोई चॉइस नहीं होती है मीज उसे उसके काम के बारे में बताता मीज चाहता है कि पाप उसके क्लाइंट शादी में एक अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाए पर पाप इस काम को करने के लिए मना कर देता है मेज ये सुनकर थोड़ा शौक होता है पाप कहता है कि वो ऐसे लोगों के लिए काम नहीं करना चाहता जो आर्ट को नहीं समझते मीज मेज कहता है कि उसे इस काम के लिए काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे पाप कहता है कि वो जो अभी काम कर रहा है उससे उसे एक अच्छी खासी इनकम मिल रही है मेज कहता है कि अगर वो अपना इरादा बदल लेगा तो वो उससे कांटेक्ट कर सकता है पर पाप मना कर देता है और ये कहता है कि उन दोनों का एक साथ काम करना काफी मुश्किल है ये सुनकर मेज वहां से चला जाता है घर पर मेज किसी न्यू नाम के एक्टर का इंटरव्यू देख रहा होता है बगल में ही थान अपने मैनेजर के साथ इंटरव्यू दे रहा होता है उन दोनों को साथ में देख कर मेज टीवी बंद कर देता है अगली सुबह न्यूंग और थान एक ड्रामे का ऑडिशन देने जाते है जहाँ पर थान और न्यूंग के मैनेजर में उनके आर्टिस्ट को लेकर थोड़ी सी बहस हो जाती है ऑडिशन के सीन में थान को न्यूंग को होता है और गुस्से में न्यूंग थान को पंच करेगा पर थान को इस पंच को डॉज करना है जब वो दोनों अपना सीन करने जाते हैं तो गलती से न्यूंग थान को सच में पंच कर देता है ये देखकर न्यूंग जल्दी से थान से सॉरी कहता है थान की मैनेजर न्यूंग पे गुस्सा करती है पर थान उसे सांत कराता है थान सोफ़े पर बैठकर अपने मैनेजर का वेट कर रहा होता है तभी न्यूंग वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और थान को ऑफर करता है न्यूंग फिर से थान से माफ़ी मांगता है तभी थान के मैनेजर दोनों को एक साथ देखकर दूर खड़े होकर इन दोनों की पिक्चर्स लेती है अगले सीन में नूना नए से मेज के बारे में पूछती है नए नूना को बताती है कि मेज अभी उस पेंटर के पीछे पड़ा है क्योंकि वो पेंटर मेज के काम के लायक है तभी नए अपने फ़ोन में थान और फाफ के कपल होने की खबर देखती है सीन चेंज होता है और हम मेज को वापस से फाफ के घर के सामने देखते हैं इस बार भी घर का बेल बजाने के बाद भी फाफ घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है घर के बाहर पड़े फाप के बिल्स के डॉक्यूमेंट्स देखकर मेज के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडियाज आते हैं घर के अंदर फाप अपनी पेंटिंग कर रहा हो होता है मेज को वहाँ पर देख के फाप उससे पूछता है कि वो वापस वहाँ क्या कर रहा है मेज उसे बताता है कि वो बस ये देखने आया है कि फाफ ने अपना इरादा बदला है कि नहीं फाफ कहता है कि आर्ट के लिए अगर इंस्पिरेशन नहीं हो तो वो कोई आर्ट नहीं कर सकता है मेज उसे उसके घर के पानी के इंटरनेट के बिजली के पेंडिंग बिल्स को दिखाकर कहता है कि शायद वो इस इंस्पिरेशन को ढूंढ रहा है फाफ उससे कहता है कि मेज उसे ये बिल दिखाकर धमका नहीं सकता है उसके एक काम के पेमेंट से वो सारे बिल भर सकता है वो मेज के सामने ही वहाँ किसी को कॉल करता है और उससे काम के बारे में पूछता है पर वो लोग बताते हैं कि फाफ ने खुद ये काम करने से मना किया है इसलिए ये काम किसी और को मिल गया पर फाफ कहता है कि उसने तो इस काम करने से मना नहीं किया है को समझ में नहीं आता है कि यहां हो क्या रहा होता है दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मीज ने ही मिस्टर टर के पास कॉल करके यह कहा है कि फाफ यह काम नहीं कर सकता है। फाफ के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और ना चाहते हुए भी उसे मीज का ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है इस बार काम के लिए मेज नहीं बल्कि फाफ डेस्परेट होता है और मेज इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता है और इस बार नखरे दिखाने की बारी मेज की होती तभी मेज के पास प्रोफेसर का मैसेज आता है मेज कहता है कि प्रोफेसर ने उसके लिए एक नया आर्टिस्ट ढूंढ लिया है और ये कम पैसों में काम करने के लिए रेडी है फाफ उससे भी कम पैसों में काम करने की बात करता है और आखिरकार मीज उसे ये जॉब दे देता है उसकी ये हरकत सुनकर नए और थान मेज को पापी बुलाते थान फिर मेज से पूछता है कि क्या उसने फाफ को ये बताया कि उसे किस तरह के कि कपड़े पहन के आने मेज कहता है कि उसने उसे ये सब पहले ही बता दिया है दूसरी तरफ फाफ गार्डन में होता है और अपने प्लांट से बातें करता है फाफ कहता है कि उसे ये लाइव पेंटिंग नहीं करनी है क्योंकि उस शादी में मौजूद किसी भी लोगों को आर्ट का असली मतलब नहीं पता है वो लोग बस दूसरों को दिखाने के लिए ये फ़ोटोज लेंगे आखिरकार शादी का दिन आता है गेस्ट के तौर पर न्यूंग भी वहाँ आता है थान को वहाँ पर देख कर उसके पास जाता है और उससे बताता है कि जिस ड्रामे के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था उसके लिए किसी और को सेलेक्ट कर लिया गया है नियम से उनके लीग्ड फोटो के बारे में पूछता है लोग उन्हें कर रहे कहीं इस चीज से उसे प्रॉब्लम तो नहीं है, है, है।, है। फाफ अपने यूजल कपड़े में आता है फाफ को इस तरह देख कर मेज इरीटेट होता है कि इतना बताने के बाद भी फाफ ने अपने कपड़े के स्टाइल नहीं बदला है तभी उस कमरे में कॉकरोच को देख सारे लोग चिल्लाने लगते हैं मेज कॉकरोच को पैर से मारने नहीं हो वाला होता है तभी फाफ उस कॉकरोच को बचाने के लिए खुद मेज से मार खा लेता है फाफ कहता है कि वो इस कॉकरोच का ख्याल खुद रख लेगा और फाफ कॉकरोच को बाहर गार्डन में छोड़कर आता है मेज की सेक्रेटरी ने पहले से ही फाफ के कपड़े का इंतजाम कर रखा था फाफ फिर फॉर्मल कपड़ों में रेडी होकर अपने जगह पर खड़े हो जाता है मेज उसके पास आकर कहता है कि अब वो एक जेंटलमैन की तरह लग रहा है फाफ उससे पूछता है कि क्या वो लोगों के उसके कपड़ों के बेसिस पर जज करता है मेज कहता है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके उसे अपने स्टाइल पर फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे किसी भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी पेंटिंग सुंदर है या नहीं तभी मेज उस पार्टी में न्यू को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है फाफ़ ये देख कर मेज को टीज करता है कि कहीं उसने उसके पैसे तो नहीं लिए या फिर कहीं वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं है मेज उसे चुप रहने के लिए बोलता है थान उस पार्टी को होस्ट कर रहा होता है थान सबसे पहले फाफ को सबके सामने इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि फाफ सबके सामने एक लाइव पेंटिंग करके दिखाएगा ये सुनकर फाफ कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने भी नहीं कहा था फिर भी वो एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनाता है उसकी पेंटिंग देखकर सभी लोग इंप्रेस होते हैं थान फिर ब्राइड और ग्रूम को स्टेज पर बुलाता है ब्राइड उसके शादी में आए सभी लोग को वेलकम करती है और उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए सबका धन्यवाद भी करती है उसकी स्पीच चल ही रही होती है कि फाफ वहाँ पर उसी कॉकरोच को देखकर उसे फिर से बचाने के लिए जाता है पर गलती से वहाँ पर रखी पिंक कलर ब्राइड पर गिर जाती है जिसे देख सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं थान इस बात को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि मिस्टर फाफ इस शादी को और हटकर बनाना चाहते हैं ये के सारे लोग बजाने लगते और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तब तक मिलते हैं नए वीडियो में बाय